नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी में और मैं हूं आपकी दोस्त अपर्णा। आज का वीडियो है ब्लॉक प्रिंटिंग पर। ब्लॉक प्रिंटिंग जो हम करने वाले हैं अपने पुराने किसी ऐसे कुर्ते पर जिसको अब हम पहनना नहीं चाहते किसी भी ऐसी वजह से कि जैसे वो डल हो गया है या बोरिंग लगता है या उसमें कुछ नयापन नहीं रहा, तो उसको हम रीस्टाइल करेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ। आप जो देख रहे हैं ये वही कुर्ता है जिसे हम डिज़ाइन करेंगे। ये कुछ मैंने 5 अलग अलग तरह के ब्लॉक लिए हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनसे हम ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए वाइट फैब्रिक कलर जो कि हम इस कुर्ते पे करने वाले हैं। आप कंट्रास्ट कलर चुनें जो आपको अपने कुर्ते के हिसाब से जचे। अब मैंने यहाँ पर कलमकारी प्रिंट है मेरे कुर्ते पर, तो उससे मैचिंग ब्लॉक्स चूज़ किए हैं और उनको कलर के साथ कुछ इस तरह से लगाया है। दूसरे पैटर्न का ब्लॉक लेकर भी हम कुर्ते पर इसी तरह प्लेस करेंगे और उसको जेंटली लिफ्ट करेंगे। अब ये तीसरे तरह का ब्लॉक है। अब इसको भी मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चारों तरफ जो है लगा दूंगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से कलर लगा रही हूँ। यूजुअली होता ये है कि हम किसी स्पॉन्ज पे फैब्रिक कलर ले लेते हैं, स्पॉन्ज को पहले गीला करके उस पर कुछ फैब्रिक कलर डालते हैं और उस पर इस ब्लॉक को रख रख कर हम प्रिंटिंग करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि मेरे पास इतना कलर नहीं था कि मैं उसको स्पॉन्ज पे भी लगा सकूं, तो मैंने इस तरह से इसको ट्राई किया है, तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। इस तरह से प्रिंटिंग करने का एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब हम कलर को ब्रश से ब्लॉक में लगाते हैं तो वो उस वक्त थोड़ा सा कलर जो है, जो बीच में ग्रूव्स बनी हैं, जो कार्विंग है, उनमें जमा होना या भरना शुरू हो जाता है। और अगर हमने उसको साथ के साथ क्लीन नहीं किया तो आपके ब्लॉक का पैटर्न जो है वो छुप जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो इसको आप अच्छे से वाइप कर लें किसी गीले कपड़े के साथ और उसके बाद धो भी सकते हैं। और कलर को निकालने के लिए कार्विंग में से हमें उसको किसी पुराने टूथब्रश के साथ क्लीन कर लेना है और उसके बाद आपके ब्लॉक्स को आप पूरी तरह से सुखा के रख दें और उसके बाद आपके ब्लॉक्स जो हैं अगली बार काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। ध्यान रहे कि आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है अपने ब्लॉक को, नहीं तो उसके ऊपर जो पैटर्न है वो हट जाएंगे और आपका अगली बार जब आप काम करेंगे तो अच्छे प्रिंट नहीं आएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे करना है। इस एक ही ब्लॉक को मैंने 2 बार यूज़ किया है और इस ब्लॉक से मैंने टोटल 6 ब्लॉक प्रिंट किए हैं। ये देखिए, इसको गोलाई में घुमाते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको नीचे तक ले गए हैं। अब एरियल व्यू में देखिए आप कि कैसे करना है ये। अब दूसरा जो ब्लॉक लिया है मैंने दूसरे पैटर्न का, उसको मैंने इस तरह से एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये ब्लॉक है तो एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे, तो इसको लास्ट तक हमें इस पैटर्न को इसी तरह से लगाना है। और ये तीसरे डिज़ाइन का ब्लॉक है। सारे जो पैटर्न हैं ये कलमकारी से रिलेटेड है। अब की बार मैं इसको अब इन्वर्टेड करके लगा रही हूँ, जो पोर्शन नीचे था अब वो ऊपर की तरफ आएगा। अब इसको एकदम क्लोज़र व्यू में देखते हैं। ये देखिए, मैंने इस पैटर्न को पहले ऐसे लगाया है, अब इसको पलट लूँगी, उल्टा कर लूँगी। अब ये जो लीव्स थी ऊपर हैं और फ्लावर जो है वो नीचे है। अब दूसरे पैटर्न के अकॉर्डिंग हम प्रिंटिंग करते हैं। ब्लॉक मैंने चेंज किया है और उसका पैटर्न भी इस पेड़ के जैसा है। इस ब्लॉक को मैंने एक बारी सीधा लगाया है। अब आप देखोगे कि इस पैटर्न को मैं उल्टा कर लूँगी और फिर इस ब्लॉक को यूज़ करूँगी इस पैटर्न पे, कुछ इस तरह। ये देखिए, ये देखिए, आप चाहें तो डिज़ाइन को थोड़ा ब्रश की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो ऐसे भी अच्छा लगता है। अब इसको तीसरी बार हम जो यूज़ करेंगे तो फिर इसको हम जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग सेट करके, इस बार सीधा ब्लॉक है ये। और ये जो ऊपर खाली जगह बची उस पर मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दूंगी। आप भी अपने
डिज़ाइन या पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसी तरह हम नीचे जो खाली स्पेसेस हैं उनमें भी अपने अकॉर्डिंग कुछ पैटर्न या ये जैसे लीव जैसे या कुछ बना सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर डॉट्स भी दे सकते हैं। डॉट बनाने के लिए आप ब्रश टिप भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश की बैक साइड से भी बना सकते हैं, या फिर आप डॉटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम एरियल व्यू में देखते हैं कि कैसे किया है। ये मैंने सीधा लगाया था इसको ब्लॉक को, अब की बार जब मैं ब्लॉक को प्लेस करूँगी तो इसको मैं डिज़ाइन को जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको नीचे कर लेंगे और कुछ इस तरह से अब इसको जेंटली लिफ्ट करेंगे। ये देखिए पैटर्न आपको अभी ऊपर से देखने में सही से समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है। ये देखिए परफेक्ट है। थोड़े बहुत अगर आपके प्रिंट नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए कितना बोरिंग कुर्ता था इसके प्रिंट, हालांकि ये पहले भी ब्लॉक प्रिंटिंग ही है लेकिन वो जो है थोड़ा डल हो गया था। तो अभी बाकी का स्पेस जो खाली है उसमें हम मैंने एक अपना एक फोर्थ स्टाइल का जो है कि ब्लॉक चूज़ किया है और उसको पूरे में ना लगा के, क्योंकि मैंने जब चेक किया था इस ब्लॉक को तो मुझे पता चला था कि यहाँ जो इसके आउटर पोर्शन है उसका इतना अच्छा इम्प्रिंट नहीं आ रहा है। तो मैंने सिर्फ बीच वाले हिस्से में जहाँ पर यह आंबी की शेप है सिर्फ उसमें कलर लगा के उसका ही प्रिंट लिया है और बाकी का काम मैं हाथ से कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आप डॉट्स दे सकते हैं इसके चारों तरफ, करना जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे करें, अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन को बनाएं। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगेन जब भी हम फैब्रिक प्रिंटिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं तो उसके बाद हमें इसको अनटच थोड़ी टाइम के लिए छोड़ना होता है और इसको बिल्कुल हम सुखा देंगे अच्छे से। पूरी तरह सूखने के बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं और जब भी आयरन करें इसको उल्टा करें, मतलब प्रिंट के ऊपर आयरन ना करें नहीं तो कलर उस पर चिपक सकता है। बनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है और पहनने के बाद हमारे प्लस साइज़ मॉडल पे ये कुछ ऐसा लग रहा है। ब्लॉक प्रिंटिंग एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव है, एक बार ही ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।